तो आज हम एक बेहतरीन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मेलिग्नेंट। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। मूवी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि किसी गैब्रियल नाम के आदमी के बारे में बता रही होती है। वह बताती है कि उसने नई तरह की ताकत को हासिल कर लिया है जो कि किसी इंसान में होना मुमकिन नहीं है। तभी डॉक्टर को बाहर से कुछ आवाज आने लगती है। दिखाया जाता है कि गैब्रियल ने सारे लोगों को मार दिया है और वह बहुत ही खतरनाक हो गया है। डॉक्टर का एक साथी उसे पकड़ने के लिए जैसे ही जाता है तो गैब्रियल उसका हाथ ही तोड़ देता है। डॉक्टर उसे जैसे तैसे बेहोश कर बांध देती है। तभी वह रेडियो के सहारे उनसे कहता है कि वह उन सबको मार देगा। यहाँ पर हम गैब्रियल की एक झलक भी देखते हैं जो कि काफी भयानक दिख रहा था। डॉक्टर कहती है कि अब टाइम आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। इसके बाद हम कुछ सालों बाद दो कपल को देखते हैं जिनका नाम मेडिसन और डेरेक होता है। ये काफी बुरे हालत से गुजर रहे होते हैं। लड़की प्रेग्नेंट होती है पर लड़का उसे कहता है कि उसे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वह लड़की को एक धक्का मारता है जिससे उसका सिर दीवार पर लगता है और खून आने लगता है। रात को दोनों अलग अलग रूम में सोए होते हैं। तभी डेरेक को घर में किसी के होने का एहसास होता है। अचानक किचन में उसे मिक्सर की आवाज आने लगती है। डेरेक मिक्सर को बंद करता है तो फ्रिज अपने आप ही खुल जाता है। वह किचन से बाहर आता है तो देखता है कि कोई टीवी देख रहा है, लेकिन लाइट ऑन होने पर वहां कोई नहीं होता और फिर अचानक कोई डेरेक पर हमला करता है जिससे मेडिसन की आंख खुल जाती है। नीचे जाने पर उसे डेरेक बहुत ही बुरी तरह से मरा हुआ नजर आता है। उसके पास में ही किलर भी बैठा होता है जो कि मेडिसन पर हमला करता है। मेडिसन कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है पर वह चीज उसे धक्का मारती है जिससे मेडिसन बेहोश ही जाती है। कुछ टाइम बाद उनके घर पर पुलिस आती है जो डेरेक को देख शॉक हो जाते हैं। पुलिस अब छानबीन करने लगती है। दूसरी तरफ मेडिसन का कहना है कि उसके घर में कोई घुस आया था जिसने कि उसके पति का खून किया है। यहाँ पर पता चलता है कि गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है जिसे देख वह रोने लगती है। तभी वहाँ पुलिस वाला आता है जिसका नाम ऑफिसर शो होता है। वह मेडिसन की सिस्टर से कहता है कि घर में किसी और के निशान नहीं मिले हैं और मेडिसन का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है जो कि उसे डॉक्टर ने बताया है, जिस वजह से पुलिस का शक मेडिसन पर जा रहा है कि उसने ही डेरेक को मारा है। मेडिसन अब हॉस्पिटल से घर आ गई है। उसे इस घर से बहुत ज्यादा प्यार होता है। रात को अचानक घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। मेडिसन को बाहर वही साया दिखाई देता है जिससे डर कर वह कमरे में खुद को बंद कर लेती है और सोचती है कि ये सब एक सपना है। अगले दिन मेडिसन पूरे घर को लॉक कर देती है जिस वजह से उसकी सिस्टर सिडनी को भी खिड़की के रास्ते से अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर हम उस दीवार को भी देखते हैं जिस पर डेरेक ने मेडिसन के सिर को मारा था। मेडिसन का कहना है कि वह प्रेग्नेंट इसलिए होती थी कि वह खून के रिश्तों को महसूस करना चाहती थी और हमें पता लगता है कि मेडिसन सिडनी की असली बहन नहीं है। उसे गोद लिया गया था जब मेडिसन की मां की मौत हो गई थी। अब हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टूरिस्ट लोगों को कुछ दिखा रही होती है। सबके वहां से जाने के बाद वहां एक अनजान आदमी आता है जो कि उस लेडी को किडनैप कर लेता है। यह आदमी देखने में काफी भयानक लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लेडी एक घर में बंधी हुई है और वह आदमी उससे रेडियो के सहारे बात कर रहा है। वह कहता है कि वह सबको मार देगा जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसिन वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही है। तभी उसे मशीन के पीछे डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई देती है। डॉक्टर कहती है कि वह उसके घर में क्या कर रही है और तभी अचानक से मेडिसिन का घर पूरा चेंज हो जाता है और डॉक्टर के घर में बदल जाता है। अचानक गैब्रियल वहां आता है और डॉक्टर फ्लोरेंस को बुरी तरह से मार देता है। जब वहां पुलिस वाले आते हैं तो उनको वहां एक छोटी सी बच्ची की फोटो दिखाई देती है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं ताकि वह पता कर सके कि यह फोटो किसकी है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर का एक पुराना दोस्त दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर की से काफी दुखी होता है। इधर मेडिसिन सोने चली जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को उसी डॉक्टर के पास पाती है। इससे पहले कि वह कुछ करती गैब्रियल वहां आकर उस डॉक्टर को भी मार देता है और यह सीन देखने में काफी खतरनाक लगता है। यह देख मेडिसिन चिल्लाने लगती है और जब उठती है तो वह अपने घर में होती है। पुलिस वाला उस बच्चे की फोटो के माध्यम से पता लगा लेता है कि वह फोटो असल में किसकी है और से पता लगता है कि यह तो मेडिसिन की फोटो है।
अगले दिन हम ऑफिसर शो को देखते हैं जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस के घर छानबीन करने गया होता है, जिससे पता लगता है कि डॉक्टर फ्लोरेंस का एक और साथी है जिसकी जान खतरे में है। वह जल्दी से उसे बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो डॉक्टर पहले से मरा हुआ होता है। तभी गैब्रियल उस पर भी हमला करता है, लेकिन ऑफिसर शो खुद को किसी तरह बचा लेता है। गैब्रियल वहां से भागने लगता है, लेकिन वह अजीब ढंग से भाग रहा होता है जिसका मुंह पीछे की तरफ होता है। मेडिसन बताती है कि बचपन में गैब्रियल ने उसे एक केक काटने के लिए कहा था, लेकिन बाद में पता लगता है कि वह अपनी माँ का पेट काटने वाली थी जो कि प्रेग्नेंट है। मेडिसन बताती है कि वह वापस आ गया है। तभी ऊपर के कमरे से एक लेडी नीचे गिरती है, जिससे पुलिस को लगता है कि मेडिसन ही कातिल है। पुलिस वाले मेडिसन अरेस्ट कर लेते हैं। सिडनी किसी तरह डॉक्टर फ्लोरेंस की सारी टैप्स को ढूंढ लेती है और उन्हें पता लगता है कि जो छोटी लड़की की फोटो दिखाई गई थी वह असल में मेडिसन ही थी। जब मेडिसन पैदा हुई थी तो उसके साथ में एक और शख्स जुड़ा हुआ था जिसका नाम था गैब्रियल, जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके शरीर से निकाल लेते हैं, पर वो पूरी तरह से नहीं निकाल पाते। ऐसा करने से मेडिसन की जान जा सकती थी। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि जिस लेडी को किडनैप किया गया था वह मेडिसन की असली माँ होती है। दूसरी तरफ मेडिसन की तबीयत खराब होने लगती है और उसका सिर फट जाता है, जिससे गैब्रियल निकलता है। उसके बाद वह सारे कैदियों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद गैब्रियल वहां से हॉस्पिटल जाता है और ऑफिसर शो और उनकी साथी को घायल कर देता है। सिडनी उससे लेने की कोशिश करती है, पर गैब्रियल उसे भी दूर फेंक देता है। अपनी बहन मार्ता देख मेडिसन गैब्रियल को किसी तरह अपने दिमाग के एक कोने में कैद कर लेती है। यहाँ एक और बात पता लगती है कि मेडिसन के सारे बच्चों को असल में गैब्रियल ने है मारा होता है, जिससे उसे ताकत मिलती थी। मेडिसन उससे कहती है कि तुम अब हमेशा यहीं कैद रहोगे। फिर मेडिसन और सिडनी दोनों वहां से अपने घर को जाने लगते हैं और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।